नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिपाहियों व बेसिक शिक्षकों की भर्ती की। जी हां दोस्तों, प्रदेश पुलिस व बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके तहत 26,000 सिपाहियों की भर्ती होगी, जबकि बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जो बढ़ भी सकती है। प्रदेश पुलिस में 26,210 सिपाहियों व 172 फायरमैन की भर्ती के लिए विज्ञापन मई के अंत में जारी होगा और जुलाई में इसकी परीक्षा होगी और दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अप्रैल मध्य तक पूरी हो जाएगी। फिर सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 60,000 से, अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की, जिसमें सहायक अध्यापक के 60,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, खाली पड़े हैं पद, और गत 24 दिसंबर को 17,000 अध्यापक भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग गई थी और उसके कारण भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पाई थी। सूत्रों के मुताबिक विभाग मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है और प्रयास है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की संख्या को 17 से बढ़ाकर, जी हां, 40 से 50,000 तक कर दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब 17,000 नहीं, 50,000 पदों पर भर्ती होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं सहायक वन संरक्षण एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी की, जो कि मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से है, और ये आप देख सकते हैं पूरा ये दिया हुआ है टाइम टेबल इसका। और वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माई फ्रेंड्स।